पिछले एपिसोड में आपने देखा कि रघु और उसकी मां लक्ष्मी को पूरा यकीन है कि दो दो बेटियों को जन्म देने वाली बन्नो इस बार जरूर बेटे को जन्म देगी। इस यकीन का कारण है उनका अंधविश्वास, जो दुनिया भर की मान मनौतियों और बाबा की भस्म जैसी चीजों पर टिका हुआ है। बन्नो की राय भी इनसे जुदा नहीं है, मगर केंद्र में पढ़ाने वाली ज्योति बहन जी का सानिध्य उसकी सोच को बदलना शुरू करता है। दूसरी तरफ महिला इंजीनियर के संपर्क में आया रघु औरत के एक नए रूप से परिचित होता है, पर उसके विचार नहीं बदलते। इसलिए जब उसे अल्ट्रासाउंड का पता चलता है तो वह बिना समय गंवाए बन्नो को लेकर शहर पहुंच जाता है। उम्मीद के खिलाफ अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट से जाहिर होता है कि बन्नो एक बार फिर शायद लड़की को ही जन्म देने वाली है। बन्नो का रोना और रघु का गिड़गिड़ाना किसी काम नहीं आता, और पूरी तरह हताश और दुखी दोनों पति पत्नी घर को वापस लौटते हैं। अब आगे कितनी बार कहा था ये डॉक्टर ये फोटो का चक्कर छोड़, पर तू माने तब ना। एक तो पैसे की बर्बादी, ऊपर से जो धक्के खाए सो अलग। अरे जब बाबा ने कह दिया, अरे बाबा का भसम सुनते सुनते कान पक गए अम्मा। पर हुआ कुछ? एक मिनट में डॉक्टर ने सब उम्मीद पे पानी फेर दिया। ये तू क्या कह रहा रघु? भरोसा रख, बाबा सब ठीक कर देंगे। अरे हमारा तो विश्वास उठ चुका अम्मा, हमको पता चल गया कि हमारे नसीब में बेटा है ही नहीं, और ये बन्नो ये हमको कभी बेटा नहीं देगी। ये औरत तो बस घर का खर्चा बढ़ाएगी और कुछ नहीं। तीन तीन बेटियों का बाप, सारे गाँव से ये गाली सुनना हमारी किस्मत में बधाई किस्मत में। कुल खानदान सब हमारे साथ ही खत्म। हम तेरे भाग्य की रेखा बदल देंगे, तेरा दूसरा ब्याह कर देंगे। बाबा की बात झूठी कैसे हो गई अम्मा? उनकी बात झूठी कहाँ हुई बेटा, भरोसा रख, इस बार हमारे यहाँ पोते का ही जन्म होगा, तुझे बेटा जरूर होगा। और अगर फिर से बेटी हो गई तो? इस बार बेटा ही होगा। और अगर बेटा ना हुआ तो बेटी भी ना रहेगी। बेटी का जन्म हुआ तो उसकी जिंदगी ना होगी। आरा हिल बलिया हिल छपरा हिल ला तोहरा लच के जब कमरिया हो रानी पटना हिल ला। आवा क्या गाते हो बल्लू बाबू, क्या छवि है। इसीलिए तो सारी औरतें घूम फिर के यहीं पे काम करने आती है। ए रघु इधर, सुना नहीं इधर। बहरा हो गया है क्या? टाइम है काम पे आने का। थोड़ी देर हो गई बल्लू बाबू, आगे से नहीं होगी। ए जाता कहाँ है? तूने कही हमने सुनी, अब बात खत्म हो गई। कह तो दिया बल्लू बाबू की देर हो गई, आगे से नहीं होगी, अब काहे को टाइम खराब कर रहे हैं। ओ हो, इनको देखिए
नवाब साहब अपने तो लेट आ रहे हैं और हमको धौस दे रहे हैं कि हम टाइम खोटी कर रहे हैं। चल निकल जाए यहाँ से। अरे छोटी सी बात को काहे को इतना बढ़ा रहे हैं, वहाँ मैडम के सामने तो बोलती बंद रहती है आपकी, और यहाँ हम गरीबों पर सारा जोर। जबान लड़ाता है, गार्ड को बुलाऊं? खबरदार सड़क के आसपास तेरा चेहरा भी दिखाई दिया तो। चल निकल निकल यहाँ से। अब तुम लोग खड़े खड़े क्या तमाशा देख रहे हो? चलो चलो काम करो। हाँ नहीं तो ऐसे थोड़ी ना कोई काम से निकाल सकता है। तू सीधे जाकर मैडम जी से बात कर, जाकर पूरी बात बता दे, एक गलती तो माफ कर ही देंगी। लेकिन वो सुनेंगे हमारी। अरे तू कोशिश करके तो देख। अच्छा शहर डॉक्टर के पास गए थे? जी हुजूर। घरवाली को दिखाने? जी हुजूर। आज कितना लेट पहुंचे? ये कोई आधा घंटा हो गया हुजूर। और गांव से यहाँ आने में कितनी देर लगती है? अगर टहलते टहलते आए तो 3 घंटे, वरना जल्दबाजी में दौड़भागी में 1 घंटा। यादव साहब बलदेव बाबू को भेजिए। आपने बुलाया सर? आपने रघु को निकाल दिया बलदेव बाबू? 2 घंटा लेट आया था इसीलिए ना सर। काम में तो बेमानी ठीक नहीं है सर। हाँ ये तो ठीक कहा आपने। आज आप रघु को 2 घंटा एक्स्ट्रा काम पे रोकिए, पहली बार है तो जाने दीजिए। लेकिन सर कुछ कहा आपने? नहीं नहीं कुछ नहीं, जा तू अपना काम कर। हुजूर। हाँ ठीक है जाओ काम पे जाओ। मैं भी जाऊँ? जी। कोई भी नया काम सीखना हो तो शुरू शुरू में दिक्कत तो आती है। जुलाहा दर्जी कुम्हार ये सब एक दिन में थोड़े ही काम सीख गए थे। क्यों लाजो तूने एक दिन में रोटी बेलना सीख लिया था? कहाँ, शुरू शुरू में तो तरह तरह के नक्शे बन जाते थे, इतनी गोल बनानी तो बहुत बाद में आई। आज बहुत चुप है बन्नो, क्या बात है? अरे जिसकी सास इतना बोले उसकी बहू तो चुप रहेगी ही ना। तेरी सास ने कुछ कहा तुझसे? रोज कहती है इससे उससे सारे गांव से। क्या कहती है बन्नो? अरे यही कि तेरी कोख से बेटी ही पैदा हो सकती है, मैं रघुवीर की दूसरी शादी करा दूंगी। पार्वती तेरा नाम बन्नो है क्या? मैं पूछती उससे हूँ जवाब तू देती है। क्यों बन्नो तेरी सास ने ये कहा तुझसे? ये सच कहती है दीदी, शायद मैं उस घर को बेटा दे ही नहीं सकती, इनकी दूसरी शादी से ही अब तो। ये क्या ना समझी की बातें हैं, बेटा होगा या बेटी ये तो पति पर निर्भर करता है, इसमें तुम्हारा क्या दोष? क्या ये बात सच है दीदी? बिल्कुल सच। और वो जो गोपाल ने पिछले साल दूसरी शादी की थी? तो क्या बेटा हो गया? हुई तो बेटी। और फिर बेटा हो या बेटी क्या फर्क पड़ता है, प्यार से पालो पढ़ाओ लिखाओ, बुढ़ापे में भी बेटे से ज्यादा सेवा करेगी। पर नौकरी चाकरी और काम धाम, तुम सब उस इंजीनियर मैडम की बात भूल गई, अकेली 4 बेटों के बराबर है। क्यों बन्नो तू ही तो बता रही थी कितनी बड़ी अफसर है वो। बेटे की छोड़ जो बेटियां हैं उनकी सोच। अच्छा बता भारत की राजधानी क्या है? अब बन्नो की जगह तू जो अब क्यों नहीं देती? जाओ बहन जी दिल्ली। बिल्कुल ठीक। ना तो यहाँ कोई तेरा ना तो यहाँ कोई मेरा है, दुनिया के मेले में बाबा जोगी वाला फेरा है। बम बम बोल लक्ष्मी। बाबा हम बहुत परेशान है, शहर का डॉक्टर कहता है बन्नो की लड़की होगी, उधर रघु कहता है कि आपकी भस्म में कोई ताकत नहीं है। जय जगतम कल कल भूतम ताक तेरा दिन ताक तेरा वो चैन पड़े नहीं तोरे बिना, जाने दे भले इसको, माफ कर दे इसको नादान है, जाने दे इसको। हम तुझसे नाराज है लक्ष्मी, क्या
तुझे हम पे भरोसा नहीं रहा? अब आप ही बताओ बाबा, हम क्या करें? इस बार हमने हुक्म दिया है, तेरे घर बेटा ही होगा। ले लक्ष्मी, इसको ले जाकर अपनी बहू को खिला देना। हमारा वचन कभी खाली नहीं जाएगा, निश्चिंत रह। बम बम। दुनिया के मेले में बाबा जोगी वाला फेरा है। बम बम। थोड़ा सा खा ले, ले खा ले, ले। तू भी खाएगी? ये ले, ये ले, ये ले। आ, 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 आ। खा ले बेटा, खा ले। सारा बखत इन्हें खिलाती रहती है, चटोर बना के छोड़ेगी। क्यों टोकती रहती हो अम्मा, सब अपने भाग का ही तो खाते हैं। अपने भाग का नहीं, हमारे बेटे की कमाई का खाते हैं। जब देखो तब लाड। बेटी है तो क्या इन्हें प्यार ना करूं? जो जी में आए सो कर। ये ले, ये बाबा ने दिया है, पहले से ज्यादा ताकतवर है, खा ले अभी। रोज का अन्याय, इस बल्लू ने तो हद ही कर दिए। 5 रुपए तक तो ठीक था, किसी ने तो 15 रुपए काट लिए। 4 बजे से दारू पीना शुरू कर देता है रोज, जो चाहे सो करता है, और करे भी क्यों ना। हम सब गूंगे बहरे जो हैं, आपस में तो बोल लेते हैं, और उसके सामने भीगी बिल्ली से भी बदतर। क्या करें, रोज रोज उस इंजीनियर मैडम के पास जाए? नहीं, हमें आपस में एकजुट होकर बल्लू का मुकाबला करना चाहिए। इंजीनियर तो आएंगे जाएंगे, बल्लू इसी इलाके का रहने वाला है, अगले वाले को खिला पिला के फिट कर लेगा। हमें तो उसके खिलाफ लड़ना ही होगा। नहीं नहीं, इंजीनियर मैडम सबसे अलग है, हमें उनसे कहना ही होगा। कैसा हल्ला है? देख सर, दद्दू की आवाज है, दद्दू की आवाज लगती है। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या बात है दद्दू? अरे वो बिट्टू, वो घर लौट रही थी तो उस हरामी ने। कौन 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 दद्दू? अरे वही वही। नाम 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 बोल दो, तू नाम बोल। अरे वो बल्लू, बल्लू वो चोर, आजकल शराब पी पी कर उसने हमारे घर की बहू बेटियों पर हाथ डालना शुरू कर दिया। पिट्टो तो ठीक है ना? अरे अरे वो तो जैसे तैसे अपनी जान बचा कर भाग कर आई। अरे अभी तक कप कपाए जा रही है, रोना बंद नहीं हो रहा उसका। और जुल्म सहो जालिमों का, अरे अभी जगोगे, अभी और कुछ होना बाकी है। पर करें क्या, अब तुम ही बताओ, जो तुम कहोगे वो हम सब करने को तैयार हैं। तो ठीक है, सबसे पहले हम इंजीनियर मैडम को जाकर उन्हें सारी बात बताएंगे। चलो छीन लेंगे उसके साथ, काम बंद, चाहे 2 दिन हमारे घर चूल्हा ना जले। आपको शर्म नहीं आती इस तरह की हरकतें करते हुए? बलदेव बाबू, अपनी उम्र का तो लिहाज कीजिए, आप आज अभी इसी वक्त यहाँ से चले जाइए। आपने सुना नहीं मैंने क्या कहा? यस सर, आप आज अभी इसी वक्त यहाँ से चले जाइए। मैं नहीं बलदेव बाबू, आप। यस सर। तो फिर आप जा क्यों नहीं रहे? और हाँ जी सर, आज के बाद अगर साइट के आसपास भी नजर आए या आपकी कोई दूसरी शिकायत आई तो ठीक नहीं होगा। नहीं आएगी सर। ये तो आपने बहुत बड़ा उपकार किया हमारे ऊपर। आपने हमारी बात का मान रख लिया। अरे नहीं नहीं, उपकार तो आप लोगों ने किया है, जो इस सब बातें मेरी नजर में लाए। पैसों की कटौती, शराब पीना,
औरतों की बेइज्जती करना, ऐसा आदमी मेरे यहाँ काम नहीं कर सकता। अरे पुष्पा, मैडम ने ठेकेदार को काम से निकाल दिया। अच्छा, अब मैं जा रही हूँ उनका मुंह मीठा कराने। अरे यार अम्बतिया, तूने कुछ सुना? मैडम ने ठेकेदार को काम से निकाल दिया। हुजूर, बलदेव बाबू तो चले गए, मगर अब उनका काम देखेगा कौन? सिद्धपुर से दूसरे को बुलवाया है। अच्छा अच्छा, मगर हुजूर आपने तो कमाल ही कर दिया। क्यों? हमने तो सोचा भी नहीं था कि कोई औरत। अरे इसमें कमाल की क्या बात है, ये तो मेरा काम है। मैडम जी, मैडम जी। अरे तुम ये क्या ले आई? तिल के लड्डू तुमने बनाए हैं? हाँ। मुझे बहुत पसंद है, मुझे सिखाओगे बनाना? आप बनाएंगी? हाँ। मैं घर के सारे काम करती हूँ, साफ सफाई, बच्चों की देखभाल। अच्छा, आपके बच्चे भी हैं? हाँ हाँ, दो बेटियां हैं मेरी, एक 9 साल की और दूसरी 6 साल की। और उनका भैया, बेटा कितने साल का है मैडम जी? मेरी बेटियां ही मेरी सब कुछ है, बेटी और बेटा दोनों। क्या कर रही हूँ मैडम जी, कुल का नाम रोशन करने के लिए? वो दोनों ही करेंगी, उससे ज्यादा पढ़ लिख कर मुझसे भी बड़े ओहदे पर होंगी, मेरा नाम रोशन करेंगी। बड़ी मुश्किल से मिली है, ये ले, सूखे हुए हैं इसलिए पीसने में दिक्कत नहीं होगी। असर तो होगा ना? असर की भी खूब गई, अरे एक चुटकी हाथी मारने के लिए काफी है, फिर तो ये तो सर्वेक्ष। ये ले, पूरे 50 है। जल्दी आ गई सेंटर से? क्या पढ़ाई खत्म हो गई? नहीं अम्मा, अब ज्यादा देर तक बैठा नहीं जाता, थकान हो जाती है। पर अभी तो 15 दिन बाकी है ना? तुम क्या कर रही थी अम्मा? खाना तो मैं बना के गई थी। कुछ नहीं कुछ नहीं, तू आराम कर, थक गई होगी ना, जा। ले भाई, देख ले, ठीक है? हाँ यही है। चल, बाद में बताता हूँ। राम राम दद्दू। आजा आजा आजा। ले भाई रघु, शहर से भाभी के लिए धागा लाया हूँ, मन्नत पूरी हो जाए तो मजार पे जाके बांध दीजो। ले, अरे ले। और हाँ, आते समय गांव से होता हुआ आया था, चाची ने खबर भिजवाई है कि अब ज्यादा टाइम नहीं है, पर तू फिकर मत करियो, वो सब संभाल लेगी। अरे तमाकू लाया? हाँ दद्दू, बड़ी मुश्किल से मिला पर ले ही आया। ला ला ला, बड़ी सख्त जरूरत थी इसकी। अच्छा, हुक्का तो टूट गया भाई हमारा। टूट गया? तो पंखी लगा लेना।
उससे कहना चिंता ना करे, मैं सब संभाल लूंगी। अरे हमारे काम में हाथ बटाने की खातिर भी तो कुछ चाहिए ना, ये दिन रात की मजूरी अब अकेले नहीं होती हमसे। तू कह रही थी ना चटपटा खाने का मन कर रहा है, तेरे वास्ते खा ले ना। आखिर तेरी इन बेटियों के लिए भी तो भाई चाहिए, टीका कैसे लगाएंगे? लखन कह रहा था रामगढ़ से ताबीज लाएगा, वहां के फकीर बड़े सिद्ध हैं, जिनको भी ताबीज दिया समझो उसके घर बेटा हो गया। और अगर बेटा ना हुआ तो बेटी भी ना रहेगी, बेटी का जन्म न हुआ तो उसकी जिंदगी ना होगी। आपने तो कमाल ही कर दिया। क्यों? हमने तो सोचा भी नहीं था कि औरत। अरे इसमें कमाल की क्या बात है, ये तो मेरा काम है, मेरी बेटियां ही मेरी सब कुछ है, बेटी और बेटा दोनों। क्या करूं मैडम जी, कुल का नाम रोशन करने की। वो ही करेगी, मुझसे ज्यादा पढ़ लिख कर मुझसे भी बड़े ओहदे पे हो, मेरा नाम रोशन करेगी। पहले मुंह मीठा कराने का इंतजाम कर ले। मैं गांव से आ रहा हूँ, तेरी घरवाली को दर्द उठ रहे थे, अब तक तो बेटा हो गया होगा।
लक्ष्मी लड़की हुई है। ये तो क्या कह रहा है रघु? हमने इसे जिंदगी दी है अम्मा, हम इसे संवारेंगे, इसे पढ़ाएंगे, इसे कुछ बनाएंगे, इसे जीने दे अम्मा।